पटना सिटी क्षेत्र के बाईपास थाना के छोटी पहाड़ी बगीचा में टुनटुन महतो नामक 65 वर्षीय व्यक्ति का अपराधियों द्वारा हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले अपराधी भी उसी गांव के शराब विक्रेता के रूप में पहचाने गए हैं। मृतक के पुत्र ने कहा कि हमारे पिता की हत्या शराब माफियाओं के द्वारा की गई है, जबकि उस क्षेत्र में छोटी पहाड़ी से लेकर तमाम इलाके तक शराब माफियाओं का जमावड़ा लगा रहता है और प्रशासन मुखदर्शक बनी रहती है। रात में लगभग भोर में दारू पिला के और पिला उला के सूरा भोग के मारी से ईंटा से आ ईट मार के गड्ढा में ढकेल दिया। किस पर शक? अब एगो कलिया पासी है आ एगो मिथिलेश नाम है आ एगो के बैमन नाम है आ एगो के नाम है सब दारू बेचे हुए पी ललकी सब चार गोटा पांच गोटा में। अच्छा, कोई दुश्मनी था पहले? ना, दुश्मनी नहीं है सर। माना करते हुए बेचे लगे? बेचे लगे मैं वही पिलाता रोज दिन हुए सब आम चुकर के चक्कर में लड़ाई हुए वो सब करता है कि हम आम खेबू ये फलान दुकान पूरा बोलता है। कहाँ पर लाश मिला है? लाश हुए खेते में था। कहाँ पर? जगह का नाम कौन? गाँव है वो? छोटी पहाड़ी पड़ता है, डॉक्टर कोलनी खरुनिया बगीचा। आपका क्या नाम है? सिनोद कुमार। कौन लगते हैं उनका? पापा लगता है। क्या नाम था उनका मृतक का? टुनटुन महतो। कितना उम्र होगा? 65 बरस होगा। क्या मामला है? ये बाईपास थाना में खरुनिया बगीचा है, वहाँ पे एक 65 वर्षीय व्यक्ति है, एक गड्ढे से उनका बॉडी मिला है। सवेरे लोगों ने देखा था उनको बैठे हुए वहाँ पे और कुछ हल्का फुल्का इंजरी मार्क लिए उनके चेहरे पे गाल वाल के, तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या लग रहा है, मतलब किस तरह हत्या किया गया? पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। ये क्या कुछ मामला है? क्या आपसी जो क्या झंडा? ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई बात हमने नहीं अभी सोची है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।